जी हाँ, कोई सफलता ऐसे ही नहीं होती, उसके पीछे छिपा होता है बहुत सालों का संघर्ष, दर्द और बहुत सालों की एक जिजीविषा जिसने आपको जिंदा रखा लड़ने के इस फील्ड में, जिसने आपको हमेशा संघर्ष में ताकत दी। और ऐसी ताकत की बेमिसाल कहानी है अरविंद जुयाल की, जो अभी अभी EMRC, TGT और PGT दोनों में सेलेक्ट हुए हैं। एक कंपटीशन निकालना मुश्किल होता है, उन्होंने दोनों को क्वालिफाई किया है और वो मेटामॉर्फोसिस से कुछ महीनों पहले जुड़े थे। अभी उनके जुड़ने की वजह, यानी कि जो नया LT आया आने वाला है, वो सामने भी नहीं आया, उन्होंने पहले ही रिजल्ट दिखाने शुरू कर दिए। तो अरविंद जुयाल की आज कहानी लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये एक लास्ट मौका है आपको LT इंग्लिश या किसी भी तरीके के सब्जेक्ट में किसी मेंटर या गाइडेंस लेने का, क्योंकि इसके बाद वक्त मौका नहीं देगा। अभी आचार संहिता के कारण आपको मौका मिल रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने फैसले को खुद लीजिए, कहीं से किसी दोस्त के कहने पे या किसी तरीके से मत जाइए। आप डेमो देखिए, आप किसी के पढ़ाने का तरीका देखिए। और हमारे वहाँ भी ये लास्ट जो है कॉल है, समझ लीजिए कि क्योंकि 5 तारीख से ये बैच शुरू हो रहा है, काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। और इस बैच की सबसे खास बात यह है कि इस बैच में बहुत सारे नए हमने तरीके इजाद किए हैं, जो आपके लिए रिसर्च के द्वारा हमने इजाद किए हैं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है और जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, वो हमें यूनिक बनाता है, हमारी यूनिक पेडागोजी, और जिसमें हम लगभग हर माइंडसेट को लेके चलते हैं और जिस तरीके से हम उसमें आपका मेजरमेंट करते हैं, वो सभी चीजें। और हम एक एप्टीट्यूड बिल्ड करते हैं, एटीट्यूड बिल्ड करते हैं, जिससे फिर आप किसी तरीके के भी लिटरेचर के क्वेश्चन पेपर को या कैसे भी एग्जाम को आप क्रैक करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। और साथ ही साथ आपको खुद ये क्षमता आ जाती है कि अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो ये एक गाइडेंस होता है जिसको विजनरी गाइडेंस कहते हैं, और उसका आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा। धीरे 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 आप उसमें अपने आप को पूरी तरह एब्जॉर्ब पाएंगे, यही एक पेडागोजी कहलाती है। तो ऐसी पेडागोजी के चलते अरविंद जुयाल, जो कि हमसे कुछ महीने पहले जुड़े थे और वो आने वाले LT की तैयारी के लिए जुड़े थे, जब मैंने अचानक से उनके द्वारा एक मैसेज देखा कि सर आपका बहुत शुक्रिया, और मैं ना सिर्फ TGT बल्कि PGT दोनों मैंने EMRS क्रैक कर लिए, तो मेरी खुशी का ठिकाना ही रहा। मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने बहुत ग्रैटिट्यूड जताया और मैंने बधाई दी। तो अरविंद जुयाल को हम सभी की ओर से फिर से एक बार बधाई। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि जब अरविंद जुयाल अपनी पोस्टिंग लेके आ रहे थे और डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस के बाद वापस लौट रहे थे, ट्रेन पे आदमी वैसे ही इतना थका होता है, और अचानक उन्होंने ट्रेन से मुझे ग्रैटिट्यूड करते हुए मेरे लिए एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो भेजा। वो 2 मिनट का वीडियो लगभग सारे इमोशंस कह गया। और ये हम लोगों की और गाइड या मेंटर्स की यही कमाई है कि एक किसी की जिंदगी बनाने के बाद जो सुकून मिलता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा सुकून है। तो अरविंद जुयाल जी भी जो है, बहुत उनकी संघर्ष की दास्तान भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही है। और उनने जो है, उन्होंने काफी संघर्ष में जीवन व्यतीत किया। इकोनॉमिकली या फिनेंशियली वो लोग साउंड नहीं थे, और उनके जो है एक ब्रदर थे, वो भी प्राइवेट जॉब कर रहे थे, और उसके अलावा एक सिस्टर, और एक वो गांव है जिसका नाम है फरसाड़ी। फरसाड़ी से इन्होंने GIC से इंटरमीडिएट किया, और पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि अब रेगुलर कॉलेज जा पाए, लिहाजा उन्होंने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया, जिसे हम प्राइवेट भी नहीं कह सकते, मुक्त शिक्षा, ओपन ओपन कॉलेज किया। और तभी पारिवारिक दबाव के चलते उन्होंने प्राइवेट जॉब भी ज्वाइन करनी पड़ी। प्राइवेट जॉब में आप जानते हैं किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है। खैर, उन्होंने इस तरीके से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उन्होंने फिर BEd किया। तो GIC के बाद इन्होंने गवर्नमेंट PG कॉलेज वेदिक हाल से
मुक्त शिक्षा के द्वारा अपना आगे का मार्ग शुरू किया और ग्रेजुएशन किया और बीएड किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसमें इन्होंने प्राइवेट जॉब की। इनके फादर की डेथ हो गई 2013 में। उसके बाद आप जानते हैं कि एक फादर का साया सर से उठ जाने के बाद कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पहाड़ आपके सर पर टूट पड़ता है। सिस्टर की शादी हुई और ये प्राइवेट जॉब करते करते जहां की आप जानते हैं कितना एक्सप्लॉयटेशन है जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, उन्होंने ये सब एक दिमाग में खाका खींचा कि मुझे कुछ करना है। और उन्होंने हारा नहीं, अपनी हिम्मत को नहीं हारा और कुछ करने की ठान ली थी। इसी में सर्च करते करते अचानक उन्होंने यूट्यूब में मेटामॉर्फोसिस देखा और मेरे को कॉल किया। मैंने कहा अगर आप एक मेंटोर पे विश्वास करेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे और किसी बात पे ध्यान नहीं देंगे, आपको सिर्फ एक चीज करना है, एम को दिन रात देखना है। तो उन्होंने करना शुरू किया और जीरो से शुरू करते हुए करते हुए उन्होंने बार बार मुझे फोन भी करते थे, गाइडेंस लेते थे। और दिक्कत होती है तो हम लोग पूरा गाइडेंस इसमें देते हैं, पर्सनल गाइडेंस, चाहे वो घर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इन सब को मैनेज करके ही तो हमें रास्ता बनाना है। अरविंद जुयाल करते चले गए और इस तरीके से अरविंद जुयाल ने अचानक जो सफलता की दास्तान लिख दी, वो ना सिर्फ उनके लिए, अपने लिए पूरी तरीके से एक हमेशा के लिए इनर मोटिवेशन बन गया, बल्कि एक पूरे जितने लोग तैयारी कर रहे हैं विषम परिस्थितियों में और जो लोग इससे या इससे भी घातक परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम भी इनकी कहानी करेगी, जैसे कि पहले भी मेरे वहां के लोगों ने किया है। तो इस तरीके की अगर आप भी कहानी बनना चाहते हैं, सफलता की कहानी जो प्रेरणा, न सिर्फ प्रेरणा दे लोगों को, बल्कि वो एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करे आपकी अपनी जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है इनर मोटिवेशन। दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं जिंदगी में, एक आउटर मोटिवेशन, एक इनर। आउटर तो ऐसा है जैसे कि अरविंद जुयाल की कहानी को अगर आप देखें तो आपके लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगी कहानी, या और कहानियां मेरे चैनल में, ये आप बाहर से प्रेरणा ले रहे हैं। लेकिन जो इनर मोटिवेशन होता है वो आपकी सफलता की दास्तान एक बार लिख दी जाती है जब, तब आता है और तब आपके दिमाग को ये रियलाइज होता है कि मेरा पोटेंशियल क्या है और मैं क्या कर सकता हूं। उसके बाद आप आगे के जो टास्क होते हैं उससे घबराते नहीं है, बल्कि पीछे जैसे आपने उनको फेस किया था वो आपके लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता है। और ये मोटिवेशन जिस दिन आ गया उसके बाद आप सफलता दर सफलता की कहानियां लिखते चले जाते हैं। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि एक व्यक्ति बहुत सालों से तैयारी कर रहा है, कहीं हो नहीं पा रहा है, और अचानक उसका एक जगह होता है, दो साल बाद पता चलता है आपको उसका और ऊपर हो गया है सिलेक्शन, तीन साल बाद पता चलता है वो पीसीएस ऑफिसर हो गया, चार साल बाद कुछ और सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इनर मोटिवेशन क्या है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ इनर मोटिवेशन आपको भी अपने अंदर डेवलप करनी होगी। ये मौका है आपके पास, आप हमसे जुड़िए। और इस समय सबसे खुशी की बात यह है कि मेटामॉर्फोसिस ने अपने रेट्स को, क्योंकि लास्ट मौका है, इतने बढ़िया ऑफर रखे हैं कि आप नकार नहीं सकते, और इतने कम रेट कर दिए हर चीजों पे। और लाइव रेडीमेड सारे कोर्स अवेलेबल हैं, और हम स्क्रीनिंग का रेडीमेड भी लेके आ रहे हैं और पेडागोजी का हम ले आए हैं, और सब चीजों को हम लगातार रिफाइन कर रहे हैं। और आप लोग हमसे केवल एमसीक्यू के बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें, वो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम अरविंद जुयाल की इन 2 मिनट की जो वीडियो भेजी है ट्रेन से, उसको सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद जुयाल है, मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ, और मेरा सिलेक्शन इस बार EMRS PGT और PGT में हुआ है, और मैं अभी भुवनेश्वर से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आ रहा हूँ।
ये जो EMRS TGT PGT में मेरा सिलेक्शन हुआ है, इसमें नागेंद्र सर और मेटामॉर्फोसिस फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें नागेंद्र सर सारे कॉन्सेप्ट बड़े डिटेल्स और बड़े प्यार से समझाते हैं, जो जल्दी से समझ में भी आ जाते हैं। नागेंद्र सर लिटरेचर को बहुत बड़ा नहीं खींचते और हमें जो फैक्चुअल नॉलेज होती है उसी को प्रोवाइड करते हैं हमारे एग्जाम से रिलेटेड। और जैसे ही जो कोई राइटर या कोई भी एज के बारे में बताते हैं तो उससे रिलेटेड कोई स्पेशल कहानी बता देते हैं, जिससे हमें जो फैक्ट होते हैं तुरंत ही याद रह जाते हैं। और पुनः एक बार मेटामॉर्फोसिस फैमिली का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे भी फर्दर स्टडी के लिए मैं मेटामॉर्फोसिस फैमिली के साथ जुड़ा रहूँगा। आप सबका धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से अरविंद जुयाल ने एक ग्रेटिट्यूड का वीडियो भेजा है, और किस तरीके से उन्होंने इतनी थकान के चलते ये सब चीजें किया है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट इन हिज लाइफ एंड मे गॉड शावर्स अपॉन हिम ऑल द गोल्डन ट्रेजर्स ही हैज विद हिम फॉर हिम। So, दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के 5 तारीख से जो हमारा नया बैच चलने वाला है उस पर जुड़िए, मुझसे कनेक्ट कीजिए, और आपको बहुत ज्यादा जो है मेरी ओर से गारंटी है कि बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ, एक बात जरूर कि आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ और ये इंस्पिरेशन है आप लोगों की। 7K मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप लोगों से हमेशा ये मेरी विनती है कि आपकी जो कॉपरेशन है वही मेरी इंस्पिरेशन बनती है। सो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये हमारे छोटे नागेन साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसका नाम कनिष्क है, बोलो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और थैंक यू। ओके, चलो अब बोल दिया हमने। तो अब कनिष्क ने भी आपसे रिक्वेस्ट कर दी है। सो मिलते हैं, थैंक्स, हैव अ नाइस डे अगले वीडियो के साथ।